अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज आपको एक बहुत ही प्यारी जगह लाइव दिखाने आई हूँ। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे किस कदर खामोशी है, सुकून है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें सुन सकते हैं आप। हर तरफ सब्ज़ा और हरियाली है। यहाँ मैं जब भी आती हूँ मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। यकीन माने कि गर्मी का एहसास तक नहीं होता यहाँ पे। आप देख रहे हैं कितने यहाँ पे घने दरख्त हैं और ऊपर आपको दिखाती हूँ कि इतने घने दरख्त हैं, यूँ लगता है कि बिल्कुल छतरी की तरह ये ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो में, कि इनमें से धूप बमुश्किल नीचे ज़मीन तक पहुँच पाती है। इतना यहाँ पे ठंडक का एहसास होता है। अभी आगे चलते हैं, मज़ीद आपको कुदरत के नज़ारे दिखाती हूँ जो कि देख के बेसाख्ता दिल से सुभान अल्लाह की आवाज़ निकलती है। थोड़ा आगे चलते हैं, आगे आपको मज़ीद इससे भी अच्छी जगह देखने को मिलेगी। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी ऊंचाई पे ये जगह, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। काफ़ी दूर दूर है यहाँ से, आबादी थोड़ी दूर है, दूर दूर घर थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, और ये देखें जी, ये मैं बिल्कुल वो जो दरख्त पहले आपको दिखाए थे उनके पास आ गई हूँ। परिंदों की आवाज़ें आपको आ रही हैं। ये देखें दरख्त, सूरज जब बिल्कुल ग़ुरूब होने के करीब है इस टाइम पे ये सारे परिंदे जमा हो जाते हैं इन दरख्तों पे, और बहुत ही प्यारी आवाज़ इनकी आती है। आसमान आज तो व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आसमान पे हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं, साथ परिंदे आपको दिखाई भी दे रहे हैं, उनकी आवाज़ें भी आप सुन सकते हैं। बहुत ही ये दिलकश जगह है। चलिए जी, अब थोड़ा मज़ीद ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं। इससे ऊंची जगह पे जितना हम आगे जाते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी जगह होती है। अब ये घर देख लें आप, कितनी प्यारी और पुरसकून जगह पे ये घर है। मेरा तो ख्याल है कि इनको कभी भी फैन ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि चारों साइडों से दरख्तों में ये घिरा हुआ है। और ये जी परिंदे आपको नज़र आ रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये इस वक्त ही अपनी खुराक की तलाश में आते हैं वापस अपने घोंसले में जाने से पहले। ये देख सकते हैं आप जी, और ये दोबारा आपको दिखा दूँ, ये घर मुझे बहुत पसंद आया है। कितनी पुरसकून जगह पे ये घर है माशाल्लाह से। अब हम थोड़ा मज़ीद क्योंकि ऊपर आ चुके हैं, अब आपको नज़र आ रहा होगा कि घर आबादी इनसे मज़ीद दूर हो गई है। एक दफ़ा फिर आपको दिखा दूँ कि सूरज ग़ुरूब होने का जो व्यू है ना वो बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग। बंदा घंटों भी बैठे तो उसको देखता रहे। ये देखें जी, एक और अलग कुदरत का नज़ारा। एक दरख्त पे ये आप पौधे पे आप देख सकते हैं, ये डबल शेड का फूल है, टी पिंक और सॉरी शॉकिंग पिंक और येलो कलर में, और दूसरी साइड पे इसी पौधे पे पिंक कलर येलो कलर का है। ये अभी तो सारे नहीं खिले हुए, जब सारे इकट्ठे खिलते हैं तो बहुत ही अमेजिंग नज़ारा होता है इनका। इसके अलावा यहाँ ये फूल भी मुझे रास्ते में नज़र आए, यहाँ रंग बरंग के हर किस्म के फूल हैं जो कि बंदा कहता है कि बस इनकी खूबसूरती को सराहे बगैर रह नहीं सकता। ये देख सकते हैं आप,